हेलो, कैसे हो आप सब? तो आज जो सावन की तीसरी सोमवारी थी, तीसरी सोमवार की भी पूजा हो गई, तो अब बचा है सिर्फ एक सोमवार। तो अब इस बार सावन में चार सोमवार थे, तो तीन सोमवार हो गए और बस एक सोमवार बचा है। और मैं आज आप लोग को अपना होम टूर करवाने वाली हूँ। मैं आज होम टूर का ब्लॉग बनाऊँगी, आप लोग देखना। तो मैं एक किराए के घर में रहती हूँ, और अपने किराए के घर को ही, जब हम किराए घर में रहते हैं, जहाँ रहते हैं वही हमारा घर हो जाता है। तो मैं अभी किराए के घर में रहती हूँ, तो मैं आपको अपने किराए के घर का ब्लॉग दिखाऊंगी। और तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा दरवाज़ा है, यहाँ से अंदर एंट्री होती है। अब इधर हमने दरवाज़ा लॉक कर दिया, और अब ये एक हॉल है, ये बड़ा सा हॉल है एक। ये देखिए, यहाँ पर जितने जूते चप्पल रखता है यहीं पर रखती हूँ मैं। और ये पुराना कूलर है हमारा, ये कूलर ख़राब हो गया है, तो इसी के ऊपर हम लोग जूता चप्पल रखते हैं। और ये खिड़की ये बंद रहती है। और यहाँ पे मंदिर है, जो तो थोड़ा देर पहले ही पूजा किए थे, तो मंदिर खुली हुई है। दोपहर में जब ऋषभ आता है तो मंदिर बंद कर देता है, वो बोलता है कि मैं ही मंदिर बंद करूँगा। और यहाँ पर ऋषभ की साइकिल, गोलू की साइकिल, यहाँ पर चेयर, ये सब। ये एक हॉल है, ये हॉल। अब ये हॉल से अंदर जा रहे हैं, तो ये बेडरूम। तो इसमें एक बेड है, एक फोल्डिंग लगी हुई है, दोनों को एक साथ मिला के रख दिया हमने, तो डबल बेड का काम करता है। और ये है, और ये अलमारी है, और ये टीवी जो चलता नहीं है। मतलब टीवी सही है, पर हमने मैं रिचार्ज नहीं करवाती हूँ टीवी में, क्योंकि टाइम ही नहीं है टीवी देखने का। जब थोड़ा सा टाइम देख मिलता है तो मोबाइल देखने लगती हूँ, वीडियो बनाने लगती हूँ। और फिर जब थोड़ा सा टाइम मिलता है तो ऋषभ रिया को पढ़ाना, तो टीवी देखने का बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं टीवी में रिचार्ज नहीं करवाती हूँ। और उधर सब थोड़ी थोड़ी दवाई पाउडर ये सब है, मेरे थोड़े से सिंदूर बिंदी ये सब है उसमें, वहाँ पर। और यहाँ पे गोलू के चुन्नू मुन्नू दोनों बैठे हैं लोग, और यहाँ पे रिया ऋषभ के बुक्स हैं, और ये लोग टेबल से अपने टीचर भी खेलते हैं शाम को। तो ये हमारा छोटा सा बेडरूम है, यहाँ पे हमारी फ़ोटो लगी हुई है, ये सब ऋषभ की है, जब ऋषभ छोटा था, ये 2 इयर्स का था तब का है। ये हम घूमने गए थे दीघा, तब वो घोड़े पे बैठ के खिंचाया था। और ये मेरी मम्मी वैष्णो देवी गई थी तब की है। और यहाँ पे हमारी, और यहाँ पर ऋषभ के स्कूल में ट्री बनना था, तो ट्री बना था, तो वो ट्री को हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब ये फोटो है, इसमें तो गोलू एक कहीं भी नहीं है, सब ऋषभ की है, गोलू की फ़ोटो एक भी नहीं है। क्यों, गोलू की फ़ोटो बहुत सारी है पर उसे फ्रेम नहीं कराया हमने, तो इसीलिए गोलू की फ़ोटो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अभी गोलू की फ़ोटो को फ्रेम करवाना पड़ेगा, नहीं तो गोलू बड़ा होगा तो कहेगा कि मम्मा से भैया के फ़ोटो लगा के रखी है, मेरा फ़ोटो नहीं लगाई है, मेरे से प्यार नहीं करती, ये भी बात है ना। तो इसीलिए उसको भी फ़ोटो को फ्रेम करवा के लगाना पड़ेगा। तो अब चलते हैं दूसरे रूम में, ये हमारा एक छोटा सा रूम है, अब चलते हैं दूसरे रूम में। अब हॉल से निकलने के बाद आ गए हम लोग ये दूसरे रूम में। यहाँ पर कोई आता है तो रहता है, जैसे हमारे घर से कोई भी आता है तो यहीं इसी रूम में रहते हैं लोग। तो अभी तो कोई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ऋषभ रिया खेलते हैं। और एक ये सिलाई मशीन है, जिसमें मैं अपना कपड़ा खुद सिलाई करती हूँ, मैं अपने सूट कुछ भी सब कुछ मैं खुद ही सिलाई करती हूँ, मैं अपने सूट उट खुद सिलाई कर लेती हूँ। और ये अलमारी है, इसमें कपड़े रहते हैं। और इधर हमारे बाहर गैलरी है, यहाँ पर हम लोग कपड़े डालते हैं। और उधर पौधे लगे हुए हैं, तुलसी के पौधे हैं, अब दिखाती हूँ, तुलसी के पौधे, सब पौधे लगे हुए हैं वहाँ पे। अब चलो चलते हैं फिर हॉल में। तो बस ये हमारे वॉशिंग मशीन, ये फ्रीज, सब हॉल में ही रखा है हमने। और ये हमारा बाथरूम है, और अब किचन में ले चलती हूँ आपको। मेरा किचन है, जिसमें मैंने यहाँ पर कढ़ाई में भी आलू की भरता बना रही थी, बन गया है। तो ये एक मेरा छोटा सा किचन है,
जहाँ मैं बहुत अधिकतर वीडियो बनाती हूँ। अधिकतर वीडियो मैं हॉल में ही बनाती हूँ यहीं पे, क्योंकि ये लाइट है ना थोड़ी सी अच्छी सी लाइट है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, तो इसीलिए मैं ये अधिकतर वीडियो यहीं पे बनाती हूँ। तो मैंने आपको अपना घर दिखा दिया। तो हम लोग अभी किराए के घर में रहते हैं, और किराए के घर में कितने भी रहो अपना घर अपना ही होता है। यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ रह जाता है, ये मत करो वो मत करो, ऐसे नहीं करना, आवाज़ नहीं करना, हल्ला नहीं करना, कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो इसीलिए अपना घर अपना ही होता है। लेकिन अब देखते हैं हमारा, अब तो बाहर रहना है, बच्चों को पढ़ाना है, कैसे भी रहना है, कहीं पे भी रहना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए ही तो बाहर आए हैं, इसलिए किराए के घर में रह रहे हैं। और जब कोई आगे पीछे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहता है तो थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ा सा दिक्कत सह के भी रहना पड़ता है बच्चों के लिए। बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं बस सब ठीक। तो जो हम नहीं कर पाए, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं नहीं कुछ बन पाए, नहीं पढ़ पाए, तो मेरे बच्चे ज़रूर करें। तो मैंने आज आपको अपना होम टूर कराया, आपको घर का ब्लॉग दिखाया, और या ऋषभ गोलू सब घर पे हैं। तो ठीक है, मैं आज का ब्लॉग यही पेंट कर रही हूँ। बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।